इंदौर के होटल आर के इम्पीरियल रेजिडेंसी में आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश आगरा से आए हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक जितेन वर्मा ने बताया कि सोनी समाज की राजनीतिक भागीदारी होना चाहिए। इसी कड़ी को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा है। भारत के प्रत्येक जिले, गांव, शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर राजनीतिक में जोड़ने की अपनी भागीदारी निभा रहा है। जितेंद्र वर्मा ने बताया, अभी तक लगभग 50 जिलों में हम भ्रमण कर चुके हैं। हमारा मकसद स्वर्णकार को संगठित करना तथा उनकी राजनीतिक भागीदारी में भी जगह बनाना है। इस मकसद में वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर के बाद उज्जैन में भी समाज को जोड़ने का काम होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वर्णकार विवाह मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी, राष्ट्रीय प्रभारी मंत्री दिनेश सोनी, राष्ट्रीय सचिव राजेश सोनी, प्रदेश प्रभारी विष्णु सोनी, वरिष्ठ पत्रकार गणेश सोनी, मुकेश सोनी, अभिषेक सोनी, सुनील सोनी आदि की गरिमा उपस्थिति में जितेंद्र वर्मा द्वारा अतिथियों का तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कैलाश सोनी, दिनेश सोनी, वरिष्ठ पत्रकार गणेश सोनी ने कहा, हम सब आपके साथ मिलकर आपका मकसद समाज के घर घर पहुंचाने की और समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी में साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है जो उत्तर प्रदेश से माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में आए राष्ट्रीय स्वर्णकार विवाह मंच ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। अंत में सुनील सोनी ने सबका आभार माना। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए इंदौर से गणेश सोनी की रिपोर्ट। मैं जितेंद्र वर्मा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच। राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच के विस्तार हेतु पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहा हूँ। हर जिले से मैं चयनिंदा प्रतिनिधियों को निकालकर राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच की अलग पूरे हिंदुस्तान में जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से प्रदेशों में, बहुत से जिलों में मेरा दौरा हो चुका है, मेरी टीम भी दौरा कर रही है और आने वाले समय में आपको राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच की टीम हर जिले में, आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी हर जिले में आपको टीम मिलेगी। राजनीतिक और समाज सेवा दोनों का मेल कैसा होगा? दोनों का मेल ऐसे होगा कि हम लोग स्वर्णकार समाज जो राजनीति से विरक्त है, क्योंकि अभी तो हम जीरो अवस्था पे हैं, जीरो से ही हम कुछ पा सकते हैं, तो हमारे पास अवसर बहुत है। क्योंकि अगर स्वर्णकार समाज की बात करूँ तो पूरे भारतवर्ष में तकरीबन हम लोग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ की जनसंख्या हमारी उपस्थित है भारतवर्ष में, लेकिन प्रतिनिधित्व तो हमें उस प्रतिशत से नहीं मिला। तो हमारी कोशिश है, हमारी मांग है, जो हमारी धीरे धीरे पूर्ण होती जा रही है। आपके मध्य प्रदेश में स्वर्णकला आयोग का गठन, उत्तर प्रदेश में 2 विधायक चुन के आना, 2 सांसद होना, धीरे धीरे हमारा राजनीतिक उत्थान हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच की प्रमुख भूमिका रही है और रहेगी। अभी आपने कोई मांग रखी है समाज के लिए? बिल्कुल है, और हमें टिकट मिली विधानसभा की 2022 के चुनाव में, हमें विधानसभा की एक टिकट मिली। इस बार हमारे नगर महापालिका में 100 से ज़्यादा व्यक्ति जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांशतः टिकटें स्वर्णकार समाज जिन लोगों ने मांगी उनको मिली और बहुत सारे जीत के आए हैं, जिनका हम लोग सम्मान करेंगे एक सम्मेलन बुला के लखनऊ पे या दिल्ली में, और हम पूरे हिंदुस्तान का सम्मेलन करेंगे, क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव मध्य प्रदेश में भी कुछ समय पहले हुए हैं। यहाँ से भी बहुत सारे पार्षद, बहुत सारे महानगर पालिका में जितने भी हैं वो जीत के आए हैं और हम उनका सम्मान करेंगे। जितेंद्र वर्मा, स्वर्णकार, संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच।